एम आकाशवाणी समप्रतिवार्ता श्रुयन्तां प्रवाचकः दिव्यानंद झाः अथ वार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधय परीक्षापीठ चर्चा कार्यक्रमस्य सप्तमं संस्करणं संबोधितयति शिक्षा मंत्रालय अनुसारम सांप्रतं यावत् 2.62 कोटी अधिकैः विद्यार्थीभिः एतदर्थं पञ्जीकरणं कृतम् कार्यक्रमे अस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा सह विशिष्ट चर्चायां प्रायः चतुःसहस्रं प्रतिभागिनाः सहभागं करिष्यन्ति एतेभ्यः प्रतिभागिभ्यः एकं विशिष्ट पुटकं प्रदास्यते पुटके प्रधानमंत्रि पुस्तकस्य एक्जाम वोरियर्स हिंदियाल संस्करभ्या सह प्रमाणपत्रं प्रदास्यते अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं दिल्ल्या भारत मंडप भविष्यति परीक्षा चर्चा कार्यक्रमे श्रीमोदी परीक्षाया विषाद दूरीक छात्र अभिभावक अध्यापक सह संवादं करिष्यति केंद्रीय शिक्षा मंत्री ना, धर्मेंद्र प्रधाने ना, राज्यानाम मुख्यमंत्री राज्या केंद्र शासित प्रदेशानाम उपराज्यपालेभ्यश्च भ्यष्चा, पत्रामाध्यमे ना कार्यक्रमे भागग्रहणाय ग्रहणाया आग्रहकृता ह। आकाशवाणिया सह एक विशिष्ट संवाद कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय विद्यालयीय शिक्षा साक्षरता सचिव संजय क्माण मंत्राल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से वर्तमान संस्कर सीबीएसई विद्यालय राज विद्यालय शिक्षा विभागा सम्मिता स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान यत् अस्य मासस्य द्वाविंशति दिनांके अयोध्यायां रामलला प्राणप्रतिष्ठाया प्रतिष्ठया देशस्य कोटिश जना एकस्मिन् एव सूत्रे बद्धा जाता ह्य आकाशवाण्या मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे राष्ट्रं सम्बोधयता श्रीमता मोदिना उक्तं यत् देशेन अस्मिन् अवसरे सामूहिकताया अद्भुतशक्ते प्रदर्शनं कृतमस्ति यद्धि सर्वकार विकसित भारत संकल्प से प्रमुखाधारत भगवत रामम शासन भारतीय संविधान निर्मात कृत प्रणा स्रोत आसीत इति प्रवदता श्रीमता मोदी इति राष्ट्र अस्य असर अपि उल्लख कृत प्रधानमंत्रीन तदीयग्रहे लक्षशः जनानां मकर संक्रान्तेहि आरभ्य जनवरी मासस्य द्वाविंशति दिनाङ्कं यावत् स्वच्छता अभियाने योगदानाय प्रसन्नता व्यक्तिकृता। तिना उक्तं यत् जनैः स्वस्व क्षेत्रेषु धार्मिक स्थलानां स्वच्छतां कुर्वद्भिः स्वीकृत चित्रानि चलचित्रानि च प्रेषितानि। तिना उक्तं यत् समूहशक्तिः देशं सफलतायाः शीर्षेषु नेष्यति। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वोच्च न्यायालय हीरक जयंती सारोह उद्घाटन सा यत् सर्वोच्च उक्तवाोच्च भारतीय लोकतंत्र सुदृढ़ीकृत श्री मोदी उक्तवाद भारत निर्मी मना विधाय शस्वनोजल भारत सुदृढ़ीकुन स अवदत् यत् विश्वस्य दृष्टि भारतस्य उपरि वर्तत दर्शस्य वर्तमानार्थिक नीतय श्वस्तन सुदृढ भारतस्य आधाररूपेण भविष्यन्त प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् सर्वकारेण सर्वोच्च न्यायालयस्य नूतन भवनार्थम् अष्टशत कोटि रूप्यकाणां स्वीकृति प्रदत्ता नीतीश कुमार ह्य नवमवारं बिहार राज्यस्य शपथं गृहीतवान् सम्राट चौधरी विजया च बिहारस्य उपमुख्यमंत्री शपथ गृहितव आहत अष्ट मंत्रिमंडळ मंत्रिण शपथीव भारत ऋतु विजान विभागी सूचितं यत् भारतस्य विभन्नष् भागेष् गहन कुज्झटिका स्थिती इं प्रचलिष्य उत्तर बिहारे उत्तराखंड मध्यप्रदेशे प्रदेश ओडिशा असम स्थिती यथाव स्थाय वार्ता